नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉ न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज की मुख्य खबरें। भारत ने फिर से एक बार स्पोर्ट्स में अपना नाम किया है। दरअसल अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम ने पांचवी बार यह टूर्नामेंट जीता है। यश धूल की कप्तानी ने भारत की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। आपको बता दें, भारत की इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, इस जीत से यह साबित होता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। भारत ने पहली बार साल 2000 में यह टूर्नामेंट जीता था। इसके बाद भारत 2008, 2012, 2018 और अब 2022 में टीम इंडिया अंडर 19 विश्व कप की विजेता बना है। छत्तीसगढ़ से एक अनोखी घटना सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस की विधायक छंत्री साहू अपने पति के खिलाफ केस दर्ज होने व विपक्षी भाजपा द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने की मांग से भड़क उठी। गुस्साए विधायक ने सुरक्षा व सरकारी वाहन लौटा दिया। वे खुद अपने पति को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और कहा, लो इन्हें गिरफ्तार कर लो। पति को गिरफ्तार करने के बाद विधायक स्कूटी से घर लौट गई। चुनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में आइए कुछ जानकारी जानते हैं। आज भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने वाला है। आपको बता दें, इस घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया है। पार्टी ने 2017 में जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें राज्य की जनता से राम मंदिर बनाने, हर युवा को रोजगार देने, किसानों को कर्ज माफ करने और भ्रष्टाचार अपराध मुद्दे को हटाने जैसी बात प्रशासन ने की थी। आइए जानते हैं क्या है दिल्ली के मौसम का हाल। पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का इजाफा हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 2 दिन तक लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ेगा। वहीं आगामी 3 दिनों तक घना कोहरे छाने की भी संभावना जताई गई है। 8 फरवरी को दिल्ली समेत अन्य इलाकों में बारिश भी हो सकती है।